बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने लेक्चर सीरीज़ के दूसरे पार्ट में हाजिर हैं। पिछले लेक्चर में हमारी बात जो है वो प्रेग्नेंट बकरियों के बंडे पे जाके ख़त्म हुई थी। थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ नए लिसनर्स के लिए कि जो नए लोग इस वक्त समाप्त फरमा रहे हैं उनको मैं बताना चाहता हूँ कि हमने इससे पहले एक पार्ट वन रिकॉर्ड करवाया, उसके अंदर हमने चार किस्म के बंडे बताए। जंतर की हे के बारे में बताया, जंतर की हे का जो तरीका कार है वो हमारी एक और वीडियो में मौजूद है, वो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं। और उसके बाद जो पिछली वीडियो है उसके अंदर हमने जंतर की हे के इस्तेमाल के साथ टीएमआर बनाने का और चार किस्म के बंडे, बच्चों का अलहदा, गब्बन का अलहदा, दूध देने वाली बकरियों का अलहदा और गोश्त के लिए पाले जाने वाले जानवर जिनमें ब्रीडर हजरात भी शामिल है या खाली बकरियां भी आ जाती हैं कि जिनको आप अभी उनसे आप बच्चा नहीं लेना चाह रहे और उनको आप उनका जो पीरियड है वो गुजार रहे हैं, जो दूध नहीं दे रही, तो वो भी उसी में गोश्त की कैटेगरी में आती है। तो और जो आप कुर्बानी के लिए खसी जानवर पालते हैं, ठीक है, कैस्ट्रेटेड जो होते हैं, तो वो भी उसी गोश्त की कैटेगरी में आते हैं। तो इन चारों कैटेगरियों का बंडा अलग है। उसके साथ वो डाइट प्लान शेयर किया गया था, उसकी एनर्जी वैल्यूज, प्रोटीन वैल्यूज और उनकी जो पानी की और ड्राई मैटर की जो रेशियो है वो शेयर की गई थी। वो मैं कह दूंगा कि आप लिंक लगा दें, हमारी डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, तो वो मैं बात रिपीट नहीं करूंगा, वहां पीछे देख सकते हैं, मैंने ओवरव्यू आपको दे रहा हूँ। आज यहाँ आपकी खिदमत में हाजिर होने का मकसद ये है कि आपके व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा सवाल आते हैं और वो रिडंडेंट होते हैं, दोहराए जाते हैं, ठीक है ना, एक ही बात बार बार। तो उसका मकसद ये है कि इस चैनल के तवस्सुत से उन तक बात पहुंच जाए जिन तक पहुंचना मकसूद है, यानी कि जो लोग एक ही क्वेश्चन है, कॉमन प्रॉब्लम्स हैं, वो हम यहाँ पे रिकॉर्ड करवा दें और वो फिर शेयरिंग हो जाए ताकि बार बार वो रिकरेंट ना हो, दोबारा दोबारा रिपीट ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज व्हाट्सएप पे थोड़े से सवाल देखूंगा और उनके जवाब दूंगा और जो पिछला हमारा सिलसिला है उसमें कुछ बातें रह गई थी उसको एड ऑन करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो वही प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ, आफ्टर प्रेगनेंसी उसकी क्या केयर होनी चाहिए जानवर की, और उसके बाद तीसरे नंबर पे बच्चों की केयर कि बच्चों को दवाई अद्वियात कौन सी लगेंगी। उनका डाइट तो मैंने शेयर कर दी है पिछली वीडियो में, तो वो मैं सारा एक आपको ओवरव्यू बना दूंगा जो कि मेन गोट फार्मिंग का जो सबसे मेन, आप समझ लेना कि आपकी प्रोडक्ट आपके बच्चे हैं और उसका जो सबसे क्रिटिकल टाइम है वो आपका लास्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी है, आफ्टर प्रेगनेंसी है और बच्चों के पहले तीन महीने हैं। जो इंसान इन चार महीनों को संभाल गया, बकरी का आखिरी महीना और बाद में बच्चों के तीन महीने, उसमें बकरी भी संभालनी है दूध देने वाली, मां भी आफ्टर प्रेगनेंसी और बच्चा भी, तो वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल करम से कामयाब होगा। तो आज हम ये काम जो है वो करने लगे इंशाल्लाह। तो चले जी बिस्मिल्लाह करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कुछ अद्वियात पड़ी हुई है, इनको क्लोजअप में दिखा दें। बाद में मुझसे शिकायत होती है कि जी आप बहुत जल्दी जल्दी जो है ना चीजें बता देते हैं, हमें अद्वियात के नाम लिखने जो है का टाइम नहीं मिलता और आप बहुत जल्दी जल्दी बातें बताते हैं। तो कोशिश करूंगा आहिस्ता आहिस्ता बताऊं और तहमूल से ये बातें बता दूं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने चैनल पे दी सर्वर गोट फार्म के चैनल के ऊपर हमने एक कम्युनिटी क्वेश्चन किया था, ठीक है। उस कम्युनिटी क्वेश्चन के अंदर हमने पूछा गया था कि आपको ज्यादा मसाइल किन बातों में है, तो उसमें भी जो ज्यादातर वोट आए हैं वो यही प्रेगनेंसी के आखिरी महीने के बारे में सवाल ज्यादा हैं और उसके अलावा बच्चों की केयर के लिहाज से सवाल ज्यादा हैं। तो चले जी अब हम ये शुरू करते हैं जी। अब आते हैं आखिरी महीने में। आखिरी महीने में हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे वो आप जो है कम से कम प्रॉब्लम का शिकार हो। आखिरी महीने में होता क्या है, आखिरी महीने में जो बच्चा होता है ना उसकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होती है। सबसे पहले तो आपने आखिरी महीने में AD3E और सैलिवेट का इस्तेमाल करना। अगर तो आपने AD3E क्रॉसिंग से पहले लगाया हो और आपके वनडे के अंदर आप एक मुतवाजन मिनरल जैसे कि हम लोग डी मिनरल इस्तेमाल करते हैं, आप हमारी पिछली वीडियोस में शेयरिंग देख सकते हैं, हमने बताया उस मिनरल के बारे में। अगर आपने मुतवाजन डाला हुआ है और वो आपका लगातार खुराक का हिस्सा है और बकरी की क्रॉसिंग से पहले भी वो खा रही थी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी वो खा रही थी, फिर तो आपको जरूरत नहीं। लेकिन बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जिनको इन बातों का पहले से पता नहीं था या उन्होंने इस्तेमाल नहीं की और अब उनकी बकरियां आखिरी महीने, आखिरी दो महीने में, आखिरी महीने में दाखिल हो चुकी हैं,
तो उनको अब वो मायूस ना हो, वो अभी भी इसको रिकवर कर सकते हैं। वो किस तरह कर सकते हैं? 83E और सेलिब्रेट आखिरी महीने में लगा सकते हैं। उनके जिस्म में आपने 50 CC दाखिल करना है, आप उनको ऑल्टरनेटिव डेज में कर लें, ठीक है, और एक वक्त में आप 10 CC तक लगा सकते हैं सेलिब्रेट या 83E, ठीक है, और वो आपने उनको 50-50 CC लगाना है, यानी कि 50 CC सेलिब्रेट लगाना है और 50 CC ही आपने 83E लगाना है, ठीक है। जो 83E आपने लगाना है वो आप 10-10 करके, मिसाल के तौर पर आज आप 83 लगाते हैं तो कल आप सेलिब्रेट लगा लें, परसों फिर 83E लगा लें, एक दिन में एक को यूज करें और मैक्सिमम 10 CC तक इस्तेमाल करें। एक बकरी जब 50-50 CC उसके अंदर चला जाएगा तो इंशाल्लाह उसको जो आखिरी महीने के अंदर मसाइल होते हैं और बच्चे की ग्रोथ से रिलेटेड, बच्चे का टेढ़ी टांगों से पैदा होना, बच्चे की का वजन पूरा ना आना पैदाइश के वक्त, ये तमाम मसाइल का हल मिल जाएगा, ठीक है। और ये उस सूरत में है कि अगर आपने रूटीन के अंदर मिनरल्स यूज नहीं किए हुए, वरना आपको इसकी भी जरूरत इंशाल्लाह नहीं पड़ेगी अगर आप अच्छा मिनरल यूज करते हैं, ठीक है। ये तो आपको होगी लास्ट मंथ की केयर के अंदर विटामिंस की बात। दूसरे नंबर पे आ जाता है जी डी कैट। लास्ट मंथ में आप बकरी को डी कैट खिलाएंगे और लाजमी खिलाएंगे, इससे आपको क्या फायदे होंगे? आए जी चले हम वापस चलते हैं अपने किताबचे की तरफ। आज मेरे पास आ जाए, मैं इनको बता देता हूं। ये देखें जी, ये डी कैट लास्ट वीडियो का जो सिलसिला है उसको जारी रखते हैं। लास्ट वीडियो हमने यहां तक बात की थी कि हम प्रेग्नेंट बकरियों के वनडे के अंदर दालों का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, ठीक है। तो ये आखिरी महीने में आपने जो अगर 100 किलो का फार्मूला बनाना है तो आपने 50 किलो दालें इस्तेमाल करनी है। अब वो 50 किलो दालें आपने क्यों इस्तेमाल करनी है वो मैं आपको बताता हूं कि वो क्यों इस्तेमाल करनी है। ये देखें जी, हमने कंपैरिजन रखा हुआ है ग्राम वर्सेस वीट। दालें, ग्राम वैसे तो चने को कहते हैं लेकिन इसमें दालें भी आ सकती हैं, दाल मूंग भी आ सकती है, दाल चना, जो भी आप दालें इस्तेमाल कर सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। इसका मुकाबला हम गंदम के साथ करते हैं। आखिरी महीने में अगर आप लास्ट प्रेगनेंसी प्रोटोकॉल अगर आप आखिरी महीने में इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या फायदा हासिल होगा? दालें जी गंदम से ज्यादा प्रोटीन में ज्यादा, वीट के अंदर 12% प्रोटीन है, 12 से 13 या 14 इससे ऊपर नहीं है। ग्राम जो है वो 16 से 19 तक जाता है, अच्छा जो है, तो एक तो आपको प्रोटीन वैल्यू ज्यादा मिलेगी, दूसरे नंबर पर आपको फैट डबल मिलेंगे, और जो फैट है वो इस वक्त उसकी फैट उसकी जरूरत होती है आखिरी महीने के अंदर, और वो जो फैट आपको मिलेंगे ना वो होंगे भी अल्हम्दुलिल्लाह अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड नहीं होंगे। मैं आपको मिसाल देता हूँ, सैचुरेटेड फैट्स क्या होते हैं? मक्खन, घी, ये लोग देते हैं ना महीने के आखिरी महीने में, तो लेकिन अगर आप अपना वनडे में दालें इस्तेमाल करेंगे तो वो फैट भी आपको मिल जाएंगे, वो आपको वो चीजें नहीं देनी पड़ेंगी। मक्खन महंगा है कि दालें महंगी हैं ये भी फैसला कर लें, ठीक है ना। लोग कहते हैं कि यार नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ये आप फार्मूला अल्हम्दुलिल्लाह इस्तेमाल करें, वो जो आप महंगी महंगी चीजें देते हैं ना, देसी घी देते हैं, मक्खन देते हैं और डालडा घी देते हैं, आज डालडा घी की भी प्राइस 420 रुपए हो गई है, ठीक है ना, 400 क्रॉस कर गई, तो ये तो अभी भी 100-110 रुपए है ना दालें, तो आप दालें दे देते हैं, आपको वो मक्खन घी वगैरह देने की जरूरत अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंदर फैट ज्यादा है गंदम के मुकाबले में, डबल है और है भी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड फैट कौन सा होता है? जो शरियानों को तंग नहीं करता, जो हार्ट अटैक की वजह नहीं बनता। बहुत सारे जानवर हार्ट अटैक से भी मर रहे हैं, मुझे दर्जनों मैसेज आए हैं उनको, बाद में जब पोस्टमार्टम करवाया तो वो उनकी शरियाने बंद निकली, तो वो यही वजह है कि लोग घी मक्खन पे जोर रखा हुआ है लोगों ने, और ये जो प्रॉपर डाइट है इसको लेके नहीं चलते, ठीक है। ये चाहे इंसान है चाहे जानवर है, आपने अनसैचुरेटेड फैट की तरफ जाना है। फैट तो जरूरी है, बहुत जरूरी है, उसको उनको चाहिए, लेकिन अनसैचुरेटेड की तरफ जाना। अब इसके अंदर एक बहुत काम की चीज होती है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं फोलेट, और ये 10 गुना ज्यादा होता है गंदुम से, 10 गुना, यानी कि अगर गंदुम में 1 ग्राम है तो इसमें 10 ग्राम है, गंदुम में 10 ग्राम है तो इसमें 100 ग्राम है। अब ये जो फोलेट है ना, ये है प्रोटीन प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन एंड जेनेटिक मटेरियल। ये देखें जी, ये आपने अगर ब्लड लाइन तैयार करनी है ना तो आप किस पे काम करते हैं? अपनी जीन्स पे। आपकी जीन्स जो है वो आपकी मां से आपके बच्चे पे कैसे ट्रांसफर होंगी? ये फोलेट अगर पूरा ना हुआ तो नहीं होगी। तो फोलेट कैसे पूरा करना है? आखिरी महीने के अंदर आपने 100 के फार्मूले में 50 किलो दालें डाल देनी है, और दालें किस में ज्यादा हैं? 10 गुना ज्यादा हैं बाकी मकई गंदुम दूसरी चीजों से, 10 गुना ज्यादा है फोलेट में। तो वो जो आप कहते हैं ना मैंने ब्लड लाइन तैयार की है, ये अच्छे बकरे की औलाद है, ये उसकी हमारी जीन्स अच्छी, हमारी ब्लड लाइन अच्छी है, तो ब्लड लाइन को आगे ट्रांसफर करने के लिए आपको फोलेट ज्यादा देना पड़ेगा, यानी कि दालें ज्यादा देनी पड़ेंगी और जेनेटिक मटीरियल इसमें ट्रांसफर होगा प्रेगनेंसी के अंदर। फोलेट इज स्पेशली इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ रैपिड ग्रोथ।
रैपिड ग्रोथ। रैपिड ग्रोथ कब हो रही होती है? सबसे रैपिड ग्रोथ बकरी के पेट में आखिरी महीने में होती है बच्चे की। बच्चे की पैदाइश के बाद भी उतनी रैपिड नहीं होती जितनी उसकी आखिरी महीने में मां के पेट में होती है। तो रैपिड ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? फॉलेट। फॉलेट सबसे ज्यादा हमारे पास किसमें अवेलेबल है? दालों में, चने में। ठीक हो गया। और इसके अंदर जो और एक फॉलेट के अंदर खूबी है कि ये जो बचाता है, किन चीजों से बचाता है? दिमाग की और स्पाइनल कॉर्ड की, यानी कि रीढ़ की हड्डी की और दिमाग के जो डिफेक्ट होते हैं, यानी कि बच्चे जो पैदा होते हैं दिमाग के डिफेक्ट के साथ या स्पाइनल कॉर्ड के डिफेक्ट के साथ, अगर उनका फॉलेट पूरा हो तो इन चीज़ों से बचत हो जाती है। ठीक है। और इससे भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि दालों में और ये जो चना होता है इसके अंदर थायमीन जो है इसका एक जखीरा होता है। थायमीन की अहमियत मैं आपको इस तरह से बता दूं कि पिछले एक दो महीने पहले अपने चकवाल के एरिए के अंदर बारिशें नहीं हो रही थी, तो जिसकी वजह से थायमीन की डेफिशिएंसी हो गई थी, सल्फर की ज्यादती हो गई थी, तो जानवर जो हैं वो हज़ारों की तादाद में मरे हैं। आप अगर वो चैनल फॉलो करते हो चौधरी माजिद शबीर साहब का, तो उनकी वीडियोस पड़ी हुई हैं कि कितने जानवरों का नुकसान हुआ है और पिछली टांगों से जानवर बैठ जाते थे, वो थायमिन डेफिशिएंसी होती थी। और उसका नतीजा यही था कि लोग जो है हरे चारे पे इन्हिसार कर रहे थे और वो लेट प्रेगनेंसी में ही था, आखिरी महीने में जो गब्बन होती थी वो पिछली टांगों से बैठ जाती थी। ठीक है। तो थायमिन डेफिशिएंसी होती थी क्योंकि वो वंडे तो खिलाते नहीं थे लोग, और उसमें वंडे के अंदर दालें तो दूर की बात है, तो सादा वंडा भी नहीं खिलाते थे। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप 100 किलो के फार्मूले में 50 किलो दालें रखेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। थायमिन का सोर्स है, और यही थायमिन हम सैलिवेट के जरिए इतना महंगे टीके में देते हैं, तो अगर हम अपनी खुराक ही ठीक कर लें तो हमें टीके ना लगाने पड़े। ठीक हो गया। उसके बाद जो है थायमिन के कुछ और फ़ायदे हैं वो यहाँ पर लिखे हुए, तो जो बेसिक बात मैंने आपकी बता दी है। ठीक है। लेकिन थायमिन का एक और बहुत बड़ा फ़ायदा जो आपको पता होना चाहिए कि जो आखिरी मंथ होता है ना, आखिरी महीना, वो एक तकलीफ दे अमल होता है बकरी के लिए, तो उसमें उसको वो डिप्रेशन में चली जाती है, तो ये मूड को भी रेगुलेट करता है, यानी कि उसका मूड अच्छा करता है, उसको डिप्रेशन में नहीं जाने देता, इसीलिए हम सैलिवेट लगाते हैं ना आखिरी महीने में। तो ये अगर आप दालें अपनी वनडे में 50-50 रख लेते हैं तो आपको वो भी जो मकासद हासिल हो जाएंगे बगैर टीके के, मूड भी अच्छा हो जाएगा। और इसमें आयरन, मैग्नीशियम और फॉस्फोरस होता है। आयरन जो है वो जो ऑक्सीजन की रवानी रखता है खून के अंदर, बहुत ज़रूरी है आयरन ग्रोथ के लिए भी। और मैग्नीशियम जो है ये मसल रिलैक्सिंग होता है। आखिरी महीने में वही चीज़ें चाहिए जो बकरी को डिप्रेशन में ना जाने दें, उसके मसल को रिलैक्स करें, उसके मूड को अच्छा रखें, और सबसे ज़रूरी बात है कि उसका जो है ब्लड प्रेशर मेंटेन रखें। प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद ब्लड प्रेशर का बहुत बड़ा इशू है बकरियों के अंदर, और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और बड़े बूढ़े कहते हैं नमक वाला पानी लेके आओ, बकरी ने बच्चे डिलीवर किए हैं, बच्चे पैदा किए हैं, तो वो इसीलिए कहते हैं। तो ये सारे मकासद आपको इसी के अंदर हल हो जाएंगे अगर आप ये वाला फार्मूला बनाते हैं अपना लेट प्रेगनेंसी वाला। और उसके बाद ये जो है एनर्जी को की प्रोडक्शन के अंदर भी ज़रूरी है, क्योंकि ये ऐसे लिपिड्स कैरी करता है बॉडी के अंदर जो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, तो एनर्जी आखिरी महीने में चाहिए होती है। आपको पता है आखिरी महीना रैपिड ग्रोथ हो रही है, दूध भी बनाना है, बच्चों को भी एनर्जी देनी, खुद भी एनर्जी लेनी, तो ये सारी चीज़ें आपको इस तरह हल। तो इसीलिए हमने जो आपको लेट प्रेगनेंसी के अंदर जो वंडा बताया उसके अंदर हमने दालें हमने ये देख लिया 50 रखी हैं, 100 के फार्मूले में 50% रखी। और इसी तरह हमारे फार्मूले बिल्कुल साइंटिफिक रिसर्च करके, ये मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, आप देख सकते हैं पिछली वीडियो में, तो वो मैं बता चुका हूँ कि जो गोश्त वाला है उसके अंदर आपने तकरीबन सारी चीज़ें मुतवाजन रखनी है, दूध वाले के अंदर आपने गंदम वगैरह ज़्यादा रखनी है। ठीक है। और जो बच्चों वाला है उसके अंदर आपने खल्ले वगैरह ज़्यादा रखनी है, यानी कि हाई प्रोटीन बनाना है। तो ये हाई प्रोटीन बनाना है, ये हाई एनर्जी बनाना है, ये जो है आपने ग्लूटेन फ्री आपने एनर्जी देनी है जो कि आपकी हाई प्रोटीन भी हो और फैट वैल्यू ज़्यादा हो। ठीक है। और उसके अंदर थायमिन और दूसरे फॉलेट और मिनरल्स ज़्यादा हो, तो इसलिए जो प्रेगनेंसी में दालें ज़्यादा होनी चाहिए, और जो आपने गोश्त के लिए जानवर तैयार करना है उसको आप तकरीबन मुतवाजन ही दें सारी चीज़ें। ठीक हो गया। ये पिछली वीडियो की बात यहाँ पे अब आप हमारी कवर हो गई है। अब आ गया डी कैड। जल्दी जल्दी वीडियो लंबी होती जा रही है, अभी हमने दवाइयों की तरफ भी जाना है। डी कैड होता क्या? डाइट्री कैशन अनाइन डायोड। ठीक है। डी कैड के बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि ये क्यों ज़रूरी है। पहले नंबर पर इसकी आपको मैं खुराक बता देता हूँ, थैला भी मैं कह दूंगा कि आप यहाँ पे लगा दीजिएगा थैले की तस्वीर। तो ये हमने अमेरिका से मंगवाया, तो थैला ही मंगवाना पड़ना था, हमारे पास तो इतने जानवर नहीं है, अगर किसी भाई को चाहिए होगा तो इंशाल्लाह दे भी देंगे। तो डी कैड जो है जी, ये आपने 10 ग्राम देना, आखिरी महीने में 10 ग्राम रोजाना फी जाएगा, यानी कि एक जानवर को 300 ग्राम जाएगा। ठीक है।
डाइट्री कैशियम अनायन डिफरेंस इसका मुखफ़ है। बेसिकली जो ज्यादातर ये दो अनायंस को लेके बना होता है, सोडियम को और क्लोरीन को या सल्फर को, ठीक है। अब इसका मकसद क्या है, ये हमने जो इसका होता है ना लेट प्रेगनेंसी के अंदर हमने इसका बनाना होता है नेगेटिव डी कैड रेशियो बनानी होती है, जो हमने डिफरेंस निकालना होता है ना वो नेगेटिव में लेके जाना होता है, यानी कि वो जो है ना 5 पर 100 ग्राम डाइट्री डीएम जो है, ये 5 मिलीग्राम पर 100 ग्राम ऑफ डाइट्री डीएम इससे लेस होना चाहिए, लेस देन 5%। तो ये हमने बनाना होता है। इसके फायदे क्या होते हैं देने से, मैं आपको इसके फायदे बता देता हूँ। जो सबसे ज्यादा मसला लेट प्रेगनेंसी में आता है वो थनों को लेके आता है, मैसेटाइटिस हो जाता है, नेट्राइटिस हो जाता है, और उसके अलावा थन सूज जाते हैं, अंगियारी आ जाती है, पानी भर जाता है उसके अंदर। इंशाल्लाह ये जो डी कैड देगा वो आखिरी महीने में वो इन चीजों से बचा देगा, ठीक है। और ब्लड प्रेशर के लिए तो ये बहुत ही जबरदस्त है, ये आपका जो हाइपोकैल्सीमिया है ना, जो लो ब्लड प्रेशर हो जाता है प्रेगनेंसी, वो भी आपका लो ब्लड प्रेशर भी इसमें नहीं आएगा। और सबसे जरूरी जो है वो मिल्क फीवर हो जाता है, बकरी बच्चा देने के बाद दूध पिलाने के बाद टांगों पे बैठती है तो उसे उठा नहीं जाता, उसे मिल्क फीवर हो जाता है, उसके अंदर से कैल्शियम खत्म हो जाता है, उसको भी ये कवर करेगा। मिल्क फीवर को कवर करेगा, हाइपोकैल्सीमिया लो ब्लड प्रेशर को कवर करेगा, और थनों के मसाइल जो आखिरी महीने में आते हैं। और तकरीबन मेरा ये मैं यहाँ पे मैंने देखा है कि मुझे इतने मैसेज आए हुए हैं कि बकरी ने बच्चा दिया है उसके नीचे दूध कम है, या दूध के मसाइल हैं, या बकरी जो है वो उसका दूध कम है, या उसने उसकी अंगियारी आ गई है, या तो ये सारे मसाइल का हल है डी कैड, आखिरी महीने में 10 ग्राम आपने रोजाना देना, ठीक है। और उसके बाद जो है क्या नाम लेते हैं इसका, एक चीज मेरी मिस हो गई थी जी, और कॉमन मसला क्या है, अगर मैं देखूं यहाँ पे सवाल भी आया हुआ है, किसने किया है, तला भाई ने किया होगा, उनकी जी बकरी की जेर फंस गई, तो एक तो उन्होंने आखिरी महीने में जो मैं वंडा बता रहा हूँ ये डाइट नहीं दी, दूसरे नंबर पे बकरी के पैदाइश बच्चे की पैदाइश के बाद जो प्रोटोकॉल थे वो नहीं फॉलो किए, वो क्या प्रोटोकॉल है, वो हम दवाइयों की तरफ चलते हैं, तीसरे नंबर पे उन्होंने डी कैड नहीं दिया, जो ये आपका जेर फंस जाती है ना, समझ लें कि आपकी बकरी अल्लाह माफ करे अल्लाह ताला से देने वाला है, लेकिन वो आपकी बकरी आगे काबिल इस्तेमाल नहीं रहेगी, जिसकी जेर फंस गई वो फिर आपकी जो है ना वो उसके प्रेगनेंसी के मसाइल शुरू हो जाएंगे, ठीक है, वो फिर आपको अल्लाह ना करे आपको गोश्त के रेट पे बेचनी पड़ेगी। तो जेर को की जो फ्लूइड निकलने के लिए या उसकी प्लेसेंटा रिमूवर यूज करते हैं लोग, तो वो आपको कुछ अद्वियात देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आप डी कैड यूज करें आखिरी महीने, आपका जो प्लेसेंटा है वो बड़े इजीली रिमूव हो जाएगा, वो आपका फंसेगा नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आ गया, ये डी कैड भी दे दिया आपने, ये वंडा भी दे दिया, अब बकरी ने अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे बच्चे दे दिए और सेहतमंद बच्चे दे दिए, अब आगे के क्या प्रोटोकॉल है, आगे के प्रोटोकॉल के अंदर यहाँ पे सवाल भी किसी ने किया हुआ है कि जी बकरी, इमरान भाई ने सवाल किया हुआ है और मुदस्सर भाई ने सवाल किया हुआ है, ठीक है, और एक और भाई ने भी सवाल किया हुआ है, जिबत भाई ने, ठीक है, कि बकरी ने बच्चे डिलीवर कर दिए तो अब हम आगे उसको कौन सी मेडिकेशन करें। अच्छा ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले तो आपने उसको एंटीबायोटिक कोई ना कोई आपने लाजमी देना 3 से 5 दिन, ताकि उसके जब उसने अपना गंद फेंकना है ना, तो जब वो गंद फेंकेगी तो उसको चांसेस होते हैं बैक्टीरिया अटैक के, क्योंकि वो जगह गंदी होती है, सर्दियों के दिन आप कितना का साफ कर लेंगे, ठीक है, तो उसको आपने एंटीबायोटिक देना है। एंटीबायोटिक आप कोई भी पेंसिलिन डेरिवेटिव दे सकते हैं, ठीक है, उसमें पेंटोमाइसिन आता है पेंसिलिन डेरिवेटिव के अंदर, ठीक है, लिंकोस्पायरा भी दे सकते हैं जिसके अंदर स्पायरोमाइसिन होता है और लिंकोमाइसिन होता है, ठीक है, और उसके अंदर आप ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन भी दे सकते हैं जो ऑक्सीफिन एलए के अंदर आता है, तो मैं ज्यादातर तो ऑक्सीफिन ही यूज करता हूँ, ऑक्सीफिन एलए, ठीक है, और इसका एक कॉम्बिनेशन ड्रग आती है सेलमोर के अंदर, उसके अंदर उन्होंने फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन जो है अंदर ही डाला हुआ है, फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन अंदर ही डाला हुआ है, वो है दर्द कुशा। तो दो चीजें आपने देनी, एक एंटीबायोटिक देना है, एक सोजन और दर्द को कम करने वाला देना है, ये दो चीजें आपने देनी है बच्चे की डिलीवरी के फौरन बाद, आपने बकरी को ये दो मेडिसिन देनी है। तो हम लोग क्या यूज करते हैं, हम अपने फार्म पे जो है ना वो ये ऑक्सट्रेलिया यूज करते हैं, इंपोर्टेड है जी फेट्रो वालों का, तो इसके ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन हम यूज करते हैं, सेलमोर वालों का भी अच्छा है उसका नाम ऑक्सीफिन एलए है, लेकिन हम जरा कोशिश करते हैं कि क्योंकि नबी पाक के नाम की बकरी है तो हम पैसे को नहीं देखते, हम देखते हैं कोई अच्छी अच्छी चीज दें, और ये मेरे भाई इटली का बना हुआ है
बोलोगना इटली का, तो हम लोग हमारे जो है ना इंपोर्टेड लेख देते हैं, तो ये ऑस्ट्रेलिया देंगे। अब इसकी डोज क्या होगी? इसकी डोज होगी मेरे भाई 1 ml for 10 kg। अगर आपकी 10 किलो की बकरी है तो आप 1 ml लगाएंगे, 20 की है तो 2 लगाएंगे, 30 की है 3 लगाएंगे, 50 की है तो 5 ml लगाएंगे, वो आपने वेट अपना कर लेना। ये देने के बाद आपने दूसरा देना दर्द कुशा। अगर ऑक्सीफेनाइल देंगे तो दर्द कुशा देने की जरूरत नहीं है। अब दर्द कुशा हम कौन सा देते हैं ये मैं साइड पे कर देता हूं जिसकी बात हो गई है। दर्द कुशा हम देते हैं जी फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोग इसको देखे हैरान हो गए होंगे, आपने बहुत सारे इसको देखा भी नहीं होगा, ये भी इंपोर्टेड है, ये हर दुकान पे नहीं पड़ा होता, तो ये कोरिया से इंपोर्टेड है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसका है लॉक्सिन, उसमें भी फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन है। फिर पाकिस्तान में इसका है फ्लूअन, ठीक है, फ्लूअन वो भी उसके अंदर भी फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन है। ये दर्द कुशा है, ये आप दे सकते हैं या आप कीटोप्रूफिन भी दे सकते हैं, जिस तरह कीटो पी है, ठीक है, या कीटोजेक्ट है, वो भी आप दे सकते हैं, वो भी दर्द कुशा है। इन दोनों में सब कोई भी यूज कर लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम जो है वो ये यूज करते हैं फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन कोरिया वाला, ठीक है, ये इंपोर्टेड है। और इसकी डोज जो है ये अच्छे वाला है, इसकी डोज फॉर कैटल एंड शीप जी 45 किलो को 2 ml है, ठीक है। तो अगर आपके 45 किलो के जानवर है तो उसका 2 ml देंगे, अगर आपका 90 किलो का है तो आप 4 ml देंगे, ठीक है, 70-80 का तो 3 ml देंगे, ठीक है। तो ये हो गया फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन। ये दो बकरी ने बच्चा दे दिया, आपने पहला काम क्या करना है, ये आपने ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन लगा दिया एंटीबैक्टीरियल, और आपने साथ लगा दिया फ्लूनिक्सिन मैग्लूमाइन दर्द कुशा। फिर क्या करना, उसको पानी पिलाएं, आप गर्म पानी पिलाएं जितना पिला सकते हैं, ताकि वो प्लेसेंटा रिमूव करने में पानी का बड़ा गर्म पानी हो, हल्का सा नमक डाल दें उसके। उसको आप हाई एनर्जी की चीजें दें, अगर तो जो वंडा मैंने बनाया बताया हुआ है वो आपके पास अवेलेबल है और उसमें आपने 100 किलो में 50 किलो दाने डाले वो भी आप दे सकते हैं। नहीं, आपने चीजें नहीं बनाई हुई, आपकी बकरी के बच्चे की पैदाइश हो रही है, तो आप फिर गंदम और गुड़ दें उसे, ठीक है, और साथ आप उसमें अजवाइन का इस्तेमाल करें। होगा मैं आपको फार्मूला बता देता हूँ, 6 किलो गंदम ले लें जी और 3 किलो आप गुड़ ले लें छोटा छोटा करके, और उसके अंदर थोड़ा सा आप अजवाइन डाल के ये मिक्सचर बना के रख लें। ये आपने उसको 7 दिनों के अंदर खत्म करवाना है लगातार, ये आपने उसको तकरीबन 10 किलो खिला देना, जिसमें रेशो क्या बनेगी 6 किलो गंदम और 3 किलो गुड़, ठीक है। इससे क्या होगा, गुड़ जो होता है उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, और गंदम जो होती है वो एनर्जी के लिए हम दे रहे हैं, ठीक है, और साथ हमने देना है कैल्शियम मिल्क फीवर से बचने के लिए। अगर तो आप मेरे प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हुए आ रहे हैं, आपने वंडा भी मेरे कहने पे बनाया हुआ है, आपने मिनरल्स भी वही वाला डाला हुआ है, तो फिर तो आपको कैल्शियम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया हुआ, आप नए हैं और आपकी बकरी ने बच्चा दे दिया है, तो फिर मैं आपको बता देता हूं, आपने लेके आना जी मिल्फोन सी का आपने इंजेक्शन लेके आना, वो आपने 20-20 cc जो है ना सब कट लगाना है, खाल के अंदर लगाना है। मिल्फोन सी मसल में नहीं लगता, मसल में नहीं लगाना, नुकसान हो जाएगा, बकरी जाया हो जाएगी। ये बड़े तरीके से लगना है, या ये आईवी लगती है, आईवी भी ये स्लो आईवी लगती है, इसकी आईवी भी तेज हो जाए तो ब्लड क्लॉट हो जाता है, बकरी जाया हो जाती है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है कि आप जो है बिल्कुल स्लो स्लो उसकी खाल में लगा दें 20-20 ml, तो वो उसकी कैल्शियम की जो मिल्क फीवर की, ये उन लोगों के लिए है, ये देखें कितना बड़ा रिस्क लेना पड़ेगा आपको, कि जिन्होंने डाइट प्रॉपर नहीं रखी, जिन्होंने डाइट प्रॉपर रखी उनको ये करने की जरूरत नहीं है। कैल्शियम कैल्शियम ग्लूकोनेट उसको चाहिए होता है इन दिनों के अंदर, तो वो हम ग्लूकोज जो है गुड़ के जरिए पूरा कर रहे हैं, और ये हमने उससे पूरा कर दिया, ठीक हो गया। उसके अलावा अगर आप देखते हैं कि बकरी ज्यादा कमजोर है, ढीली है, तो आप साथ ये भी यूज कर सकते हैं, एमईवीकॉम भी यूज कर सकते हैं, और एमईवीकॉम के अंदर भी अगर आप इसकी कंपोजिशन देखें, तो एमईवीकॉम की कंपोजिशन मैं आपको दिखाता हूँ कैमरे के अंदर, यहाँ पे मैं हाथ भी रख देता हूँ, ठीक है। इसमें ये देखें, कैल्शियम क्लोराइड है और पोटेशियम क्लोराइड है और ग्लाइसिन भी है और ग्लूकोज भी है, ठीक है। तो ये साथ आप लगा देंगे उसको 10-12 cc, ये आपको लग जाएगा। इसकी एग्जैक्ट डोज भी मैं आपको बता देता हूँ, और फिर हम आगे चलते हैं। ये जनाब साहब 5 किलोग्राम की जो बकरी है ना जी, उसको ये 1-1.5 ml लगता है। तो अगर आपकी 50 किलोग्राम की होगी तो आपका 10 लगेगा, अगर आपकी 70 की होगी तो आप 15 भी लगा सकते हैं, अगर आपकी 100 किलो की तो आपको 20 लगेगा ये, ठीक है। ये फॉरन प्रेगनेंसी के बाद की आपको बातें बता रहा हूं, अल्लाह माफ करे अगर मैं कोई बात भूल जाऊं तो मुझे आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं, लेकिन कीजिएगा व्हाट्सएप ही, मैं यहाँ पे सिर्फ जो है ना यहाँ पे इस पे अपने व्हाट्सएप पे ही जवाब दूंगा, कॉल जो करेगा भाई उसको माजरत है, क्योंकि और भी दूसरे मामला चल रहे होते हैं तो कॉल नहीं उठाई जाती। व्हाट्सएप पे जवाब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको 2-3 घंटे के अंदर अंदर आपको जवाब आपका मिल जाएगा, और मिलता भी है, बाकी भाई जो है वो गवाही देंगे जिनको जवाब मैंने दिए, तो इज्जत अल्लाह देने वाला है। ये आपका हो गया जी बकरी का, आपको क्लियर हो गया। अब बच्चे को क्या करना, बच्चे की पैदाइश के बाद
वो उसको मसाइल जो आते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे जो है ना वो पहले दिन से लेके 2 हफ्ते के अंदर अंदर जो बच्चे मरते हैं वो निमोनिया से मरते हैं, और खासतौर पर इन दिनों में जब सर्दी ज्यादा है। तो निमोनिया से बचाने के लिए आपने बच्चे को पैदाइश के 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर ही ना, 2 से 3 घंटे के बोला पिलाने के बाद, उसको खुश करने के बाद, बच्चा जब डिलीवर हो जाए उसको अच्छी तरह ड्राई कर लें, आग चला लें, उसको खुश कर लें, उसके कान खोल लें, उसके अंदर से वो उसको उल्टा करें, पीछे टांग से पकड़ के पीछे स्पाइन पे हाथ रखें, उसको हिलाएं, उसके अंदर से सारा गंद निकालें। अगर वो दूध पीना शुरू कर देता है तो वो तो सारी सेहत है, ठीक है ना। और वो जितना दूध बोला पीता उसको पिलाएं, कोलोस्ट्रम उसे कहते हैं, वो आपने उसको पिलाना ही पिलाना है। उसके बाद आपने कोलोस्ट्रम पिलाने के 2 से 3 घंटे बाद आपने उसकी निमोनिया से बचाव के लिए आपने उसकी तरकीब कर देनी, वो आपने लगा देना इनक्योर एनरोफ्लॉक्सासिन, ठीक है जी, ये है इनक्योर, ठीक है। हमने इनक्योर 20 रखा हुआ है, इनक्योर 10 भी ले लें कोई प्रॉब्लम नहीं, डोज आगे पीछे हो जाएगी। इसमें जो एनरोफ्लॉक्सासिन है वो 20% है, उसमें 10% होता है, ठीक है। इसकी जो डोज है वो है 0.05 for 1 किलोग्राम, 0.05 for 1 किलोग्राम, यानी कि 5 किलोग्राम का बच्चे को ये 1 cc लगेगा, ठीक हो गया जी। आप मल्टीप्लाई कर लेना, 1 किलोग्राम को 0.05 ml लगना है, वो आप मल्टीप्लाई कर लें जितने किलो का आपका बच्चा आता है। आते ही बच्चे को पैदाइश के बाद तोलें और फिर दवाई उस लिहाज से लगाएं। लगानी किसके साथ है, ये बहुत बड़ा मसाइल चल रहे हैं जी, ये मुझे बहुत मैसेज आ रहे हैं। ये दो हैं जी 1 cc सरिंजें, दोनों 1 cc सरिंजें, दोनों 1 cc सरिंजें, ठीक है। तो 1 cc सरिंजें जो है इसमें और इसमें फर्क क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मास्टर वालों की, ये चाइना वालों की, ये आप जरा जूम करके दिखाएं। इसके यहाँ पे लगा हुआ है ये प्लास्टिक लगा हुआ है, ये जब बच्चे के अंदर जाके बच्चा हिलता है, बच्चा तड़फता है ना, तो ये टेढ़ी नहीं होती। ये है बैरन वालों की, जो हम इंसुलिन यूज लगाने के लिए यूज करते हैं, इसमें ये चीज नहीं लगी हुई, ये एक ही दफा इस्तेमाल होकर जाया हो जाती है, ये नहीं किसी काम की आपके। आपने ये 1 cc सरिंज लेके आनी है, अच्छी वाली मास्टर वालों की लेके आनी है, जिसके ऊपर ये लगाओ, प्लास्टिक लगाओ, ठीक है। ये 1 cc, ये आपने 1 पॉइंट लगा देना, ठीक है। उसके बाद अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा और उसके गड़बड़ है, पेट में गड़बड़ है, और वो आप दूध नहीं पी रहा, वो रो रहा है, और वो आपको पता चल रहा है कि इसको कोई मसाइल है, तो फिर आपने पेट के लिए आपने उसको देना है ट्राइबरसन, ठीक है। ये भी 1 cc 5 किलो के जानवर को लगेगा, ठीक है। अगर उसके पेट में मसाइल ज्यादा है और दूध बिल्कुल नहीं पी रहा, तो फिर आप 1 cc ट्राइबरसन और 1 cc एमईवीकॉम इसको मिक्स करके लगाएंगे। 1 cc कह रहा हूं, यानी कि इस 1 cc सरिंज का 1 पॉइंट, यानी कि 0.1 cc, ठीक है। वो पहले भी मैंने जो आपको बताया ना कि ये 0.05 for 1 किलोग्राम है, इनकी ओर गलती ना कर दीजिएगा। इस जो 1 cc वाली सरिंज है ना, 1 cc वाली सरिंज, इसका 1 पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, जिसको हम 1 कह रहे हैं, ठीक है, यानी कि यहां तक, ये इसका 1 पॉइंट, ठीक है, यहां तक लगाना। तो इसको आप मिक्स करके लगाएंगे, मिक्स करके लगाएं। अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं यार ये मिक्स करके नहीं लगाना, ये कौन सी डॉक्टरी है, ये तो किसी वेट की बुक में लिखा है इसको मिक्स करना। तो मेरे और लोग कहते हैं ये तो आप नुकसान कर देंगे। एक तो हमने ये आजमाया हुआ है, दूसरे नंबर पे जिन लोगों को इसमें शक है ना कि ये मिक्सिंग नहीं हो सकती, तो फिर उनको इसमें भी शक होना चाहिए। नो स्कोर कैसे बनता है, आप इसकी कंपोजिशन दिखाई दी, नो स्कोर ट्राइबरसन और एमईवीकॉम को मिक्स करके बनता है, ठीक है। अगर आपको टीका लगाने से डर लगता है तो आप नो स्कोर ले आए, और नो स्कोर या स्कोर एक्स, स्कोर एक्स एल्मोर का, नो स्कोर नवान वालों का, तो आप ये ले आए, और ये आपने 2 किलोग्राम को 1 ml पिलाना है, ठीक है ना, 1 ml, यानी कि ये वाला ml जो 5 cc वाली सिरिंज का, ये वाला ml ये पिलाना आपने। ये होगी जी बच्चों की निगहदाश्त पैदाइश के फौरन बाद। उसके बाद आप मजीद भी बहुत सारी मालूमात है बच्चों से रिलेटेड, ये नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, अस्सलाम वालेकुम, अपना ख्याल रखिएगा। आसानियां अल्लाह आपको भी आसानियां फराहम करे, और आसानियां तकसीम करने का शर्त भी अता करे। और जिन लोगों को मेरी किसी बात से इख्तलाफ है तो वो मेरे भाई मुझ व्हाट्सएप करें, मुझसे मेरी बात करें, और लोगों में बदगुमानी मत पैदा करें, एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से पेश आए, और अल्लाह ताला आप सबके लिए आसानियां फरमाए और हदायत फरमाए, और हम सबको, मैं शामिल हूं उसके अंदर, हमें भी सीधे सराते मुस्तकीम पे लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।